बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था, उसका टॉपिक है फील ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, सो आज हम पहले पता करेंगे कि फील जो है, जब सोलेनोइड हमारे पास एक कंडक्टर के सोलेनोइड में जब हमारे पास करंट मौजूद होता है तो उस केस में हमारे पास फील जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसी को कैंसिल आउट करती है या नहीं करती है। ठीक है, सो हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने एक वायर ली थी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या थी, एक करंट कैरिंग वायर थी, मीन्स कि इसमें से करंट जो है वो पास हो रहा था। ठीक है, अपवर्ड। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या थी, ये थी, इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में फील्ड बन रही थी वो थी मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके लिए हमने क्या किया था कि इस वायर को, इस कंडक्टर को हमने हाथ में लिया था अपने राइट हैंड में, और हमने थंब के जरिए से करंट की डायरेक्शन को बताया था कि हमारे पास ये क्या करंट की डायरेक्शन है, जो कि अपवर्ड है। ठीक है, और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमने बताई थी अपनी कर्लिंग फिंगर से। ठीक है, सो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन क्या थी, यू उसके सराउंडिंग में यू मूव कर रही थी, तो हमें पता चला कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगा कर रही है, यू हमारे पास इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ड्यू टू करंट ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सोलेनोइड में, कि सोलेनोइड हमारे पास एक वायर है लेकिन इसकी जो शेप होती है वो थी सिलेंड्रिकल, इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, इसके अलावा ये क्या होती है, क्वाइल। लेकिन हमारे पास सोलेनोइड की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर जो है इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है और ये क्वाइल शेप में एक वायर की तरह हमारे पास मौजूद होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोलेनोइड है वो इस तरह से है। ठीक है, यानी कि हमने कहा है क्वाइल शेप है, यानी कि इसके अंदर क्या नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है। अब हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि हमारे पास एक टर्न आ गई है। ठीक है, ये और दूसरी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई है, दूसरी टर्न आ गई है। ये तीसरी, और ये हमारे पास चौथी, और ये एक और ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, या सोलेनोइड हमारे पास आ गई है कि हमारे पास ये क्या है, क्वाइल शेप में मौजूद है। अब क्या होगा, जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एक तो हमारे पास सोलेनोइड के जो एंड्स हैं उधर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा हमारे पास जो बीच में मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास पहले यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी उसकी हमारे पास डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और भी होंगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इसके अंदर क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगी। ठीक है, उसकी भी ऐसी डायरेक्शन होगी, और इसके इर्द गिर्द में भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, इस तरह यहां पर भी हमारे पास होगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब एज अ रिजल्ट इधर आप देखेंगे ये हमारे पास एक जो हमारे पास टर्न है उसके एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। लेकिन जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों टर्न्स को, तो आप इधर देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रही है इसकी जो डायरेक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि क्या हो गई, ये ऑपोजिट हो गई, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। अब ये क्या हो जाएंगे, जो चीजें ऑपोजिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कैंसल आउट, यानी कि ये फील्ड जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। इसी तरह आप इन दोनों को कंपेयर करें, इधर भी ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर जा रही है जबकि दूसरी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है,
ये भी हमारे पास क्या होगी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये पिक जो कैंसिल आउट कर लेंगी। इस तरह इस केस में हमारे पास ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये भी कैंसिल आउट और ये भी ऊपर की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इंट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट है। इस तरह इस केस में हमारे पास होगा, इनमें भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है इसकी डायरेक्शन। और इस केस में भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो फील्ड है जो कैंसिल आउट कर दे, क्योंकि एक हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही होगी एक नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो फील्ड है वो क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास इधर तो बीच में जो एंड पॉइंट पर जो टर्न्स की फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो तो कैंसिल आउट हो गई है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बीच में भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अब ये हमारे पास क्या आ गई, बीच में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स मूव कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये सारी मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पर तो हमारे पास करीब है, नजदीक नजदीक है, ठीक है, यहाँ पर नजदीक नजदीक है एक दूसरे के, मीन्स के और भी मैग्नेटिक फील्ड जो है बीच में से पास आउट हो रही है। यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा एक दूसरे के नियर है, लेकिन जैसे ही ये क्या होंगी इस सोलेनॉइड के मीडियम से बाहर निकलेंगी ये फैलने लग जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा फासला बीच में आने लग जाएगा। अब बीच में फासला आएगा और ये हमारे पास जो सारी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल के क्या हो जाएगी इसके इर्द गिर्द दोबारा से क्या हो जाएगी वापिस मूव होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होंगी वापिस आकर बाहर जाएंगी, बहुत ज्यादा फासला क्रिएट कर लेंगी लेकिन वापस आके दोबारा से करीब करीब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अब जितना ये बाहर निकलेंगी उतना ये दूर दूर का फासला जो है वो तय करती जाएंगी, ठीक है, और वापस आकर दोबारा से मीडियम के अंदर घुस जाएंगी। लेकिन ये बात हमें क्लियर होती है कि मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो एक दूसरे के करीब करीब होंगी, जबकि जब वो बाहर निकलेंगी मीडियम से बाहर निकलेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएंगी बहुत दूर दूर हो जाएंगी दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह हमने यहाँ पर एंड पॉइंट पे टर्न्स के देखा था कि यहाँ पर जो फील्ड्स है वो कैंसिल हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड्स हैं जो इसके बाहर का जो हिस्सा है क्या हो रही है यहाँ पर फील्ड्स आई जा रही है एड अप हो रही है, यानी कि यहाँ पर फील्ड्स क्या हो रही है कैंसिल आउट हो रही है जबकि यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास फील्ड्स एड अप हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इजाफा हो रहा है वहां पर तक जो हमारे पास फील्ड्स है यहाँ पर ये क्या हो गए तकरीबन खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीच में फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब ये पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी अपॉन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यानी कि जितनी लंबी हमारे पास सोलेनोइड होगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि और मैं बना लेती हूँ बहुत ज्यादा लंबे होंगे उतनी हमारे पास क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में वो डिपेंड कर रही है अपॉन द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, ग्रेटर दी लेंथ ऑफ द सोलेनोइड ग्रेटर दी मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, ठीक है। इसके अलावा हम ये बात भी नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो अंदर फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली अंदर क्या कर रही है हमारे पास जो फील्ड है वो क्या कर रही है यूनिफॉर्मली अंदर मूव कर रही है, यानी कि इनसाइड फील्ड इनसाइड क्या हो रहा है हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या यूनिफॉर्म है, लेकिन जब आप आउटसाइड देखते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये दूर दूर फैल जाएंगी, ठीक है, और वो दूर दूर हो जाएंगी और इस केस में यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी। सो आउटसाइड आउटसाइड फील्ड ये हमारे पास क्या होंगी जीरो, मींस के यूनिफॉर्म नहीं होंगी जीरो होंगी, यानी कि का कोई अता पता नहीं होगा कहाँ कहाँ चली गई है लेकिन आएंगी वापस मुड़ के यहीं पर, ठीक है, क्योंकि दूर इतनी हो जाएंगी लेकिन वापस आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे करीब। सो इनसाइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी यूनिफॉर्म, जबकि आउटसाइड द फील्ड हमारे पास जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी बल्कि जीरो होगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये हमारे पास क्या है टर्न डेंसिटी है, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बराबर है टर्न्स डेंसिटी के, यानी कि टर्न्स की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी जितना टर्न्स का गुच्छा हमारे पास होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास प्रोड्यूस होगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, इस लेक्चर में हमने सोलेनोइड की सारी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हमने स्टडी कर लिया कि किस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी इनसाइड द मीडियम एंड आउटसाइड द मीडियम। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारे पास इक्वेशंस है जो हमने ड्राइव करनी है सो उसको हम स्टडी करेंगे पार्ट टू में इस लेक्चर के। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।